हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैंटेसी प्लेयर चंद में। तो फ्रेंड बात कर लेते हैं, अब जो चौथा मैच मैं कवर करने जा रहा हूँ यहाँ से कनाडा, जो इंग्लिश T20 ब्लास्ट का तीनों मैच में वीडियो डाल चुका हूँ, यॉर्कशायर की भी, एसेक्स की भी, ग्लोसेस्टर शायर की भी यहाँ वीडियो में डाल चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ हमारी वीडियोज में जाके देख सकते हो। बाकी यहाँ पर जो मैं नॉर्थम्पटन और लिस्टर का जो मैच खेला जाना है इसको कवर करने वाले, इसकी वीडियो यहाँ पर आपको मिलेगी। उससे पहले फ्रेंड, अगर आपने ऊपर के ये मैचेस अगर अब तक नहीं देखे हो तो प्लीज़ इनकी वीडियो देख लीजिए, क्योंकि इनकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। स्कॉटलैंड वुमेंस की और थाईलैंड वुमेंस की, इन दोनों की वीडियो मैं दे चुका हूँ, अगर नहीं दिखे तो देख लीजिए। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर TNPL का जो मैच खेले जाना है दोनों, इन दोनों की वीडियो मैं यहाँ पर दे चुका हूँ, अगर नहीं दिखे तो प्लीज़ हमारी वीडियो में जाके देख लीजिए। बाकी बने रहिए हमारे चैनल के साथ, आपको सारी वीडियोज मिलेंगी। आज T20 ब्लास्ट में जितने भी 8 मैचेज हैं, 8 के 8 ही वीडियो यहाँ पर आपको मिलने वाली है, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आपके लाइक से हमें पता चलता है कि हम आपके लिए कैसा काम कर रहे हो, काफ़ी अच्छा लगता है आपके लाइक देखे, तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना। बाकी फ्रेंड स्पेशली वो भाई लोग जो हमारे चैनल पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अब बात कर लेते हैं इस मैच के बारे में, नॉर्थम्पटन लिस्टर का मैच जो खेला जाने वाला है, लिस्टर में खेला जाएगा फ्रेंड। न्यूट्रल विकेट है यहाँ की, यहाँ पर स्कोर भी बन जाता है और विकेट भी काफ़ी अच्छे खासे मिल जाते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड आप टीम को एक बैलेंस टीम बनाना जो आपके दोनों तरफ कारगर साबित हो सके, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर जो टीम बना रखी मैं आपको दिखाता हूँ किस हिसाब से मैंने टीम बना रखी है। तो वीडियो को पूरा देखना, पूरा सुनना सही से, तभी आपको समझ में आएगा मैंने किस हिसाब से टीम बना रखी है। लिस्टर शहर में ग्राउंड में होता क्या है, होता है कि यहाँ पे भी यही सेम सीन, अगर कोई स्टार्टिंग से अगर दोनों ओपनर अगर सही खेल जाते हैं तो फिर स्कोर यहाँ पे कम विकेट में जो है ठीक ठाक बन जाते हैं, 55-60 के आसपास यहाँ पे स्कोर बन जाता है। अगर यहाँ पे उड़ाने की सोची, जैसे वेस्ट इंडीज़ वाले उड़ाने की सोचते हैं, वैसे अगर यहाँ पर किसी ने उड़ाने की सोची तो फिर ये विकेट जो है यहाँ पर मुश्किल से 140-145 पे टीम ऑल आउट हो सकती है। तो ध्यान से अपनी टीम को बनाना, अपने उसी हिसाब से अपने प्लेयर्स को रखने हैं, क्या आपके लिए टीम कॉम्बिनेशन पर बेस्ट रहने वाला, मैंने यहाँ पर सब कुछ बताया गया। रॉसिंगटन है, स्विंडल्स हैं, बाकी और यहाँ पर हिल्स भी हैं, हिल यहाँ को अगर लेना चाहता तो हिल को ले सकते हो, बाकी जो तो बेस्ट लगे मुझे मैंने रख लिया। अब रॉसिंगटन को रखना, लास्ट मैच में फ्लॉप जरूर हुए हैं, ऐसा नहीं है कि लास्ट में फ्लॉप हो गया तो इस मैच में नहीं चलेगा, प्लेयर काफ़ी अच्छे हैं और ऊपर से ये वन डाउन आते हैं, अगर नीचे आने वाले तो फिर हम इनको मिस कर देते हैं, बट ये वन डाउन आते तो इनको मिस नहीं कर सकते। अगर आप मिस करना चाहते तो कर सकते हो, आपकी मर्जी है। लास्ट मैच में परफॉर्म नहीं किया वो अलग बात है, मगर इससे पहले मैचेस में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, तो उम्मीद करता हूँ इस मैच में भी अच्छा ही परफॉर्म करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं बैट्समैन की, जो तीन बैट्समैन मुझे बेस्ट लगे मैंने रख लिया, अगर रखना चाहते तो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन खेले, उनको रख सकते हो, आपकी मर्जी है, क्योंकि पैसा आपका, हमारा सेशन है, हम आपको गाइड कर सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं क्या होता है क्या होता है, बट आप लोग वीडियो को पूरी नहीं देखते, आधी स्किप करके देखते हो, खाली टीम देख के चले जाते हो, फिर आपकी समझ में नहीं आता, लगता है तो बेकार टीम दिया, अजीब आदमी है यार, कैसी टीम दी है, फिर ऐसा बोलते हो, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड। पिच के हिसाब से और टीम्स के हिसाब से मैं यहाँ पर टीम देता हूँ कि आपकी जो है हेड टू हेड 3-मेंबर लीग के लिए विनिंग टीम क्या हो सकते, तो ये सब चीज़ यहाँ पर बताई जाती है, तो वीडियो को पूरा देखना फ्रेंड। बाकी अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जो तीन मैंने बैट्समैन रखे, एलेक्स विकली को रखा, मार्क कॉस्ग्रोव को रखा, और उसके बाद जो यहाँ पे मैंने रखा क्यूब को रखा है, क्यूब को रखना जरूरी फ्रेंड इसलिए हो गया क्योंकि लास्ट मैच में उन्होंने बॉलिंग भी स्टार्ट कर दी है, बॉलिंग भी करा रहे हैं और काफ़ी अच्छे विकेट लगे थे लास्ट मैच में, आई थिंक 2 या 3 विकेट लगे थे, बॉलिंग भी करा रहे, तो इसलिए मैंने इनको यहाँ रखा, बट हमने रखा हुआ था लास्ट मैच भी, इसीलिए इसी चीज़ का हमें फायदा मिला, तो हमने काफ़ी अच्छा विन किया यहाँ से भी इनको रखने की वजह से। मैं खाली रखा था, अगर कैप्टन वैसे ट्राई करता तो और ज़्यादा था, बट इतना पता नहीं था कि इस टाइम ये कि बॉलिंग कर सकते हैं, अगर इतना ही पता था बॉलिंग कर सकते तो मैं इनको जरूर कैप्टन वैसे ट्राई करता, अगर पता होता तो, वैसे पता तो था ये बॉलिंग करता है, बट ये पता नहीं था कि इन्होंने पहली बार ही कल T20 ब्लास्ट में जो बॉलिंग कराई है, इससे पहले उन्होंने यहाँ पर बॉलिंग नहीं करी है, तो अब इनको रखना जरूरी हो गया और ये हर टीम में मिलने वाले हैं आज से, ये बात ध्यान रखना। कल तक परसों जो मैच थे उनमें नहीं मिले, बट अब जो मैचेस खेलने जाने हैं सब में मिलने वाले हैं, ये बात आप ध्यान में रखना। बाकी यहाँ पर ऑप्शन आपके लिए, यहाँ पर रिचर्ड लेवी खेलने वाले हैं, रिचर्ड लेवी को रख सकते हो, उसके बाद यहाँ पर डेडन खेलने वाले हैं, इनको रख सकते हो, उसके बाद यहाँ पर आपके पास कोई खास ऑप्शन है नहीं, बी कुरान और ये थ्रस्टन में इनको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा, इवांस वगैरह न्यूटन का कोई अभी तक कोई न्यूज़ वगैरह इनकी नहीं आई है। तो ये थी बैट्समैन जो मुझे बेस्ट लगे मैंने रख लिया, बाकी बात करते हैं ऑलराउंडर की, ऑलराउंडर में जो मुझे बेस्ट लगे हैं तीन वो मैंने रख लिया है, बाकी अगर आपको लगता है इनसे बेस्ट कोई और है तो आप उनको ले सकते हो। उससे पहले फ्रेंड अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर कर लिया हो अब तक तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और उसके बाद टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना ताकि हमारी हर मैच की अपडेटेड टीम आपको टेलीग्राम में मिल जाए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल को, डायरेक्टली क्लिक करके वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप आ सकते हो। अब बात करें ऑलराउंडर में, जो मैंने कॉलिंग अकरमैन को रखा जो मुझे बेस्ट लगे हैं भी बेस्ट और रखना भी चाहिए, और कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस तो मुझे जहाँ तक लगता है हर किसी का कैप्टन आज यही मिलने वाले कॉलिंग अकरमैन,
और जोसो का वाइस कैप्टन अधिकतर लोगों के। तो आपको थोड़ा अगर अलग ट्राई करना, मैं बता दूंगा आपको क्या करना। बाकी डेवन पीटर्स को रखा हुआ, बाकी फ्रेंड यहाँ पर अगर रखना चाहते हो, इन दोनों का खेलना नहीं खेलना कोई कंफर्म नहीं है, कोई इनकी न्यूज़ नहीं है खेलेंगे नहीं खेलेंगे कोई कंफर्म नहीं है। बाकी नीचे से बात करें, फहीम अशरफ हो गए खेलेंगे, पार्किंसन खेलने वाले हैं, फहीम अशरफ और पार्किंसन, इन दोनों में से अगर आप रखना चाहते हो हेड टू हेड थ्री मेंबर के लिए, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। बाकी अगर यहाँ से आप किसी एक पर रिस्क लेके अगर रखना चाहते हो, फहीम अशरफ को चार ऑलराउंडर के साथ जाना चाहते हो, तो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बताऊंगा मैं उसको, क्योंकि फहीम अशरफ भी यहाँ पे लास्ट मैच भी आपने देखा होगा 2-1 विकेट ले गए थे, काफ़ी अच्छा परफॉर्म था इनका फहीम अशरफ का भी। बट डेवन पीटर्स बॉलिंग पर नहीं आते, बॉलिंग पर पिछली बार तो नहीं आए थे, बट वैसे बॉलिंग कराते हैं, आ जाएँ क्या पता जब कोई ज़्यादा पिट जाएगा तो फिर ये जरूर आएंगे बॉलिंग पर, ऐसी बात नहीं है। बट यहाँ पर बॉलिंग पर आने के चांसेस कम है डेवन पीटर्स के, तो आप इनको हटा के अगर फहीम अशरफ को रखना चाहते हो तो रख सकते, क्योंकि डेवन पीटर्स के बाद ही बैटिंग के लिए फहीम अशरफ उतरेंगे। अगर आप रखना चाहते हो तो फहीम अशरफ को रख सकते हो, प्लस पॉइंट यही है कि ये बॉलिंग भी कराएंगे, अगर रखना चाहते हो तो रख सकते हो। बाकी मैं इनके साथ जाने वाला हूँ, जो मेरे तीन मुझे बेस्ट लगे हो मैंने रख लिए। अब बात करते हैं बॉलर्स की, मेन पोर्शन जो है बॉलर्स का होता है फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पे बॉलर से आपकी हार जीत, क्योंकि 10.1 विकेट पे कम नहीं होते, अच्छी खासी टीम को पीछे कर देते हैं। सामने अगर बाई चांस आपका अपोनेंट आपसे अगर 50-60 पॉइंट भी आगे है और आपके पास दो बॉलर ऐसे हैं जो उसके पास नहीं है, तो वो इजीली आपको वहाँ से विन करा सकते हैं, क्योंकि 1 विकेट के 10 पॉइंट मिलते हैं, कैच के 4 पॉइंट मिलते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। बॉलर्स पर्सन काफ़ी मेन होता है देखा जाए तो फंटेसी में, तो तीन जो मुझे बेस्ट लगे मैंने रख लिए। बाकी उससे पहले फ्रेंड, अगर आप लोग प्ले स्पॉट में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और साथ ही में रेफरल कोड दिया हुआ है जिसे यूज़ करके आप बोनस ले सकते हो। और दूसरी बात फ्रेंड, यहाँ से मंडे से मैं आपको प्ले स्पॉट की टीम यहाँ पर प्रोवाइड किया करूँगा, उससे पहले अभी तो मैं ड्रीम इलेवन की और बल्लेबाजी की दे रहा हूँ, बट फ्रेंड उसके बाद मैं आपको यहाँ पर प्ले स्पॉट की टीम भी प्रोवाइड किया करूँगा मंडे से। अब तब तक मंडे तक आप अपना साइनअप कर लीजिए, अपना जितने भी वेरीफाई करने के लिए वेरीफाई करके रख लीजिए, ताकि आपको विड्रॉल करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो रेफरल कोड जरूर यूज़ करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक भी साथ ही में दिया हुआ, वहाँ से आपको आप डाउनलोड कर सकते हो। तो बात कर लें यहाँ पर अब बॉलर्स की, बॉलर्स मैंने तीन जो बेस्ट लगे मुझे मैंने रख लिए हैं, एरॉन लिल्ली को रखा हुआ है, सैंडरसन को रखा हुआ है, और दूसरे यहाँ पर डब्ल्यू डेविस को रखा हुआ है। अगर आप यहाँ पर रखना चाहते हो तो रख सकते हो, ग्रीम व्हाइट खेलने वाले हैं, ग्रिफ्थ खेलने वाले हैं, कैलिन खेलने वाले हैं, इनको रखना चाहते हो रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर मैट कॉल्स पर थोड़ा डाउट है मुझे, नाथन बक खेलने वाले हैं, इनको ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जो है आपके पास कुछ खास ऑप्शन बचते नहीं है, तो ये होंगे आपके बॉलर्स के ऑप्शन। क्रेडिट पूरे हैं, क्रेडिट की कोई दिक्कत नहीं, अगर रखना चाहते हो तो रख सकते हो, बाकी थोड़ा सा डिफरेंट बन के चलो तो ज़्यादा बेटर रहता है हर चीज़ के लिए। तो बाकी कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें, कैप्टन तो यहाँ पर हमारे डिफॉल्ट चॉइस एक ही रहने वाले हैं, कॉलिंग अकरमैन, और वाइस कैप्टन आज मैं यहाँ पर क्यूब को ट्राई कर रहा हूँ। क्यूब को अगर करना चाहते हो आप जोस्कॉक को ट्राई कर सकते हो, काफ़ी अच्छे ऑप्शन है अभी। उसके बाद हिल्स और रॉसिंगटन को ट्राई कर सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन है। बाकी मैं आप किसी को सजेस्ट नहीं करूँ, अगर एलन लिल्ली को करना चाहते हो कर सकते हो, क्योंकि आई थिंक वन डाउन आएंगे खेलने के लिए, ये भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन है, बॉलिंग भी कराते हैं, तो अगर चल जाते हैं तो जिस हिसाब से विकेट है, न्यूट्रल विकेट है, उस हिसाब से मैं जा रहा हूँ, क्योंकि कॉलिंग अकरमैन काफ़ी अच्छे ऑप्शन है। तो रॉब क्यू जो बॉलिंग कर रहे हैं, तो ये भी यहाँ पर प्लस पॉइंट हो गए हैं, तो अब हेड टू हेड मेंबर थ्री मेंबर लीग में आपको अधिकतर यही लोग दिखने वाले हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जा सकते हो हमारी टीम से, बाकी आपकी मर्जी है आपको क्या करना है, आप लोग इतने समझदार हो। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना, और प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब अब तक नहीं करा हो तो प्लीज़ अब तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि यहाँ पर हम आपको बहुत कुछ देते हैं, बहुत कुछ आपको यहाँ पर सारे मैचेस वीडियो यहाँ पर कवर करने की कोशिश करते हैं। ओके फ्रेंड, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।